लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तीसरी मंजिल से जब वो चीखी और सूरज ने कहा, सुनो, मैं कब से वहां पर पकवा किए जा रहा हूं और तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। हाँ, सॉरी। वो तीनों पढ़े लिखे एग्जीक्यूटिव थे। वो लोग बैंक में उस वक्त घुसे जब बैंक में पानी भरा, जब बैंक के एम्प्लॉइज अपने कंप्यूटर से अपने डॉक्यूमेंट संभालने लगे तो पैसों से भरा हुआ बैग लेकर वो लोग वहां से फरार हो गए। हो सकता है आप में से कोई एक हो तो यहां कॉफी पीने के बहाने छुपने चलाया हो। हमें खबर मिली है वो लोग यहां हो सकते हैं, या फिर यहां बैठे लोगों में से किसी ना किसी का उनके साथ कोई ना कोई कनेक्शन है, इसलिए मुझे आप सबकी तलाशी लेनी होगी। चंदानी, क्या तुम बता सकते हो शाम के 3 बजे से लेकर 8 बजे तक रिश्ता में कौन कौन आया? एज ए रूल हम लोग यहाँ पर किसी भी कस्टमर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देते। मुझे रूल समझाने की कोशिश मत करो, नहीं तो एक पुलिस ऑफिसर को कॉपरेट ना करने के जुर्म में अंतर कर दूंगा। 2 करोड़ का मामला है। तो अपने बच्चों के लिए पहले परेशान है और ऊपर से और परेशान कर रहा है। मिस्टर शिवम, आज तो तुम गए, बड़े अजीब तरह से घूर रहा था, कहीं ये राशि तो। Why is he so scared? कहीं इसकी वजह से मैं भी पकड़ी ना जाऊं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर, वो जो सामने बैठे हैं ना, आपको देख रहे हैं, वो बहुत बड़े राइटर हैं। वो स्क्रिप्ट लिखते हैं और आजकल तो वो गाने भी लिख रहे हैं। तारीफ करनी है तो बेबी की करा कर गर्म खाना मिलेगा। सीधे से ये बता के वो यहाँ आया कब? आने का तो पता नहीं, पर वो जाते शटर गिरने के बाद ही हैं। पैसा है ये खराब चीज, किसी को नहीं छोड़ता। अब फंस तो गया, देखो बचूंगा क्यों नहीं। सर, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी? नो थैंक्स, आई डोंट लाइक कॉफी और मुझे किसी तरह की डिस्टर्बेंस पसंद नहीं, अंडरस्टैंड? सॉरी सर। सुनो, नाम क्या है तुम्हारा? अली सर। अच्छा, ये बताओ यहाँ किस किस ने कैश में बिल दिया? अभी तक तो सर किसी ने भी पे नहीं किया। क्यों? एक्चुअली सब लोग अपने घर वालों को लेकर काफी डरे हुए हैं। ऐसे घर वाले फिलहाल तो ये सब के सब डरे हुए हैं।
कॉस्टली है? पता नहीं, ऑफिस से अलॉट हुआ है। मजे की नौकरी है, लाखों का माल फ्री में अपना हुआ। ऐसे में आदत बिगड़ जाती है। मैडम, अगर आपको एतराज ना हो तो मैंने पूछताछ के लिए अपने साथ वहां ले जा सकता हूं। आप मेरे खिलाफ नारी सेवा संघ में तो नहीं चली जाएंगी? आइए। ये बताइए कि आप करते क्या हैं? विप्रो में फाइनेंशियल एडवाइजर। मतलब पैसों को इधर से उधर कैसे किया जाता है, इसके माहिर हैं आप? नो, रुपयों को कैसे मैनेज किया जाता है उसका माहिर। तो 2 करोड़ को कैसे मैनेज करोगे? व्हाट? जो लोग इतने पैसे लेके फरार हुए हैं, वो लोग इन पैसों को कैसे मैनेज करेंगे? देखिए इंस्पेक्टर साहब, इन चोरी के रुपयों से मेरा कोई मतलब नहीं। इस लड़की को कब से जानते हो जिसके साथ बैठकर कॉफी पी रहे थे? आज से, अभी से। और अगर आप चाहें तो एक कप कॉफी आपके साथ भी हो जाए। नो थैंक्स। अब आप बताइए कि आप उस आदमी को कब मिली? अभी मिली। अभी? कमाल है, अभी मिली और अभी साथ साथ कॉफी पीनी शुरू कर दी। लगता है आपको कॉफी बहुत पसंद है। व्हाट ए कोइंसिडेंट, जो लड़की बैंक से पैसे लेकर भागी उसे भी कॉफी बहुत पसंद थी। चोरी करने से पहले उसने 3 बार कॉफी मंगवा कर पी। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया है और मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ। मेरी मम वाशी में है, अकेली है, पता नहीं किस हाल में होंगी, और आप टॉर्चर कर रहे हैं। मॉम वाशी में और आप यहाँ? आई स्टे हियर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास। इंटरेस्टिंग, आपको अपनी माँ की फिक्र भी है और आप उन्हें छोड़कर खुद यहाँ रह रही हैं। देखिए, मैं यहाँ पे इसलिए रह रही हूँ क्योंकि वाशी से मैं रोज आ जा नहीं सकती और मेरा ऑफिस भी मलाट में है। आप करते क्या है? फॉरेन की एक एयरलाइंस के लिए मार्केट रिसर्च। एयरलाइंस का कोई नाम भी तो होगा? अभी नहीं बता सकती, इट्स अ बिजनेस सीक्रेट। वो लोग नई एयरलाइंस लॉन्च करने वाले हैं और मैं पता लगा रही हूँ कि बिजनेस सेक्टर में वायबिलिटी है या नहीं। कहानी बहुत अच्छी बना लेती है, पर मैं ये कैसे मान लूं कि आप उनके लिए काम करती हैं? तो मत मानिए, प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। मैनेजर का कहना है कि पिछले 6 महीनों से आप यहाँ हर रोज आती हैं। क्यों? इट्स माय पर्सनल मैटर। आप यहाँ जिससे मिलने आती हैं उसका नाम क्या है? लगता है नहीं, कहीं भाग तो नहीं गया? इट्स गेटिंग टू मच नाउ। या, इट्स टू मच। अगर बाहर बारिश ना हो रही होती तो आप इस वक्त पुलिस स्टेशन में होती। मैं मजबूर हूँ। देखिए मैडम, अब शक के घेरे में आ चुकी है, इसलिए सच सच बता दीजिए, वरना आप जानती नहीं कि आपका क्या हश्र होगा। अच्छा, तो आप सस्पेंस फिल्म में लिखते हैं? हाँ। यहाँ बैठकर? कोई खास वजह? यहाँ बैठकर मैंने जितनी भी फिल्में लिखी हैं सब हिट हुई है। और वैसे भी यहाँ बैठकर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पर नजर भी अच्छी रहती है ना? मुझे खबर मिली है कि कल यहाँ तुम्हें एक लड़का और लड़की मिलने आए थे। क्यों? फिल्म लिखवाना चाहते थे। 2 करोड़ के बजट की? कहाँ है वो? पता नहीं, मेरे फ्रेंड ने उनको मेरे पास भेजा था। और मैं तुम्हें यहाँ से सीधा जेल भेजूंगा, वहां बैठकर फिल्म लिखना, सुपर डुपर हिट होगी। आप यहाँ अकेले हैं? बाकी दोनों कहाँ हैं? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप बोल क्यों नहीं रही? नहीं बोलना है मुझे।
आपको अरेस्ट करना है तो कर लीजिए। अच्छा, तो तुम कुछ बताना नहीं चाह रहे? सर, क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। सर, मुझे छुट्टी चाहिए। क्यों, घर के याद आ रही है क्या? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। ये बारिश सब कुछ बर्बाद कर देगी सर। अपना काम ठीक से करोगे तो कभी बर्बाद नहीं होगे, समझे? इस वक्त तुम ड्यूटी पर हो, उसे ठीक से करो। सर, घर में 3 भैंसें पाली हुई हैं, चावल के बाहर वाली साइड में बंधी हुई हैं। अगर मैं वक्त पर नहीं गया तो बेचारी 3 पानी में बह जाएंगी सर। तो मैं क्या करूँ, आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। बात समझ में आए कि नहीं? साहब, घर वाली बहुत बीमार रहती है, सारी तनख्वाह उसके इलाज में खर्च हो जाती है। बड़ी मुश्किल से पीएफ से 30,000 रुपये कर्ज लेकर 3 भैंसें खरीदी थी ताकि कुछ कमाई हो जाए। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचा तो साहब 30,000 रुपये पानी में बह जाएंगे। प्लीज़ मुझे जाने दो साहब, प्लीज़ मुझे जाने दो। कांजुरू मार्ग पहुँचोगे कैसे? 30,000 रुपये बचाने के लिए तो मैं नरक में भी पहुँच जाऊँगा सर। सुना, कहीं नहीं जाओगे तुम। अगर तुम जाना ही चाहते हो तो नौकरी छोड़कर चले जाओ। सरदार जी। Excuse me, Inspector. Yes. आपके पास तलाशी के ऑर्डर्स हैं? आपकी तारीफ। दिस इज माई आई कार्ड, परविंदर सिंह फ्रॉम दिल्ली, नेवी ऑफिसर हूं मैं। Then, प्रॉब्लम क्या है आपकी? आप? मैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप है। यहाँ लोग पहले से परेशान हैं और उनकी तलाशी लेकर आप उन्हें और परेशान किए जा रहे हैं, उल्टे सीधे सवाल किए जा रहे हैं आप। Listen, don't interfere in my work. मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। देखिए, ड्यूटी हम भी करते हैं, मछुआरों को पकड़ते हैं, लेकिन उनके साथ भी शराफत से पेश आते हैं। और आप हमें गन पॉइंट पर कैसे ले सकते हैं? क्या प्रूफ है कि आप इंस्पेक्टर हैं? अपना आई कार्ड दिखाइए। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि बाहर बारिश हो रही है और ऐसे में जरूरी नहीं है कि हम अपना आई कार्ड हमेशा अपने पास रखें। तो ठीक है, तो आपके साथ कोई भी कॉपरेट नहीं करेगा। दरवाजा खोलो। जी सर। सर, क्या हुआ? सर, वो 3 मिल गए। कहाँ? कार के अंदर, वो भी 3 मरे हुए। मरे हुए? जी सर। रुपए थे उनके पास? हाँ जी सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। जय हिंद सर। जय हिंद। सर, क्या अब मैं घर जा सकता हूँ? हाँ, जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, हाँ, मेरे हाथ से एक कप कॉफी तो आपको पीनी ही पड़ेगी, फिर चाहे इसके लिए आप मुझे जेल क्यों ना भेजते। श्योर, थैंक यू। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, एक्चुअली टेंशन की वजह से ना जाने क्या कुछ कह दिया मैंने आपसे। कोई बात नहीं सरदार जी, वैसे भी मैंने आपकी बात को सीरियसली लिया नहीं। यही तो प्रॉब्लम है सर, कि हमें कोई सीरियसली नहीं लेता। सॉरी मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया, पर क्या करें, हमारी ड्यूटी ही ऐसी है। एक पुलिस ऑफिसर के अलावा मैं भी आप ही की तरह एक इंसान हूं, मेरी भी फैमिली है। पता नहीं मेरी बेटी अब तक घर पहुंची होगी या नहीं पहुंची होगी। मेरी ही तरह हजारों पुलिस वाले, हजारों फायर ब्रिगेड वाले और बीएमसी के कर्मचारी अपना घर बार छोड़कर लोगों की जान बचा रहे हैं। यहां तक के सीएम, पुलिस कमिश्नर, बीएमसी कमिश्नर, सबको फिक्र है इंसानों की। और इस कुदरत के कहर के सामने इंसान कुछ नहीं कर सकता। और ये कल पेपर वाले लिखेंगे कि सरकार निकम्मी है, उसे लोगों की फिक्र नहीं है। ऐसा नहीं है। दूसरों पर तोहमते लगाने की बजाय लोगों को अपनी जिम्मेदारियां ठीक से समझनी चाहिए। अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारी ठीक से समझे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकता है। मैं अब चलता हूं, बहुत काम बाकी है। ऑल द बेस्ट।